हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है या यदि आपको अभी तक वोटर आईडी कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है और आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप किस प्रकार घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा या किसी भी ब्राउजर के द्वारा आप किस प्रकार नया वोटर आईडी कार्ड को मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड को बिल्कुल फ्री में घर पर मंगवा सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो भी इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च इंजन में आपको सिंपली टाइप करना है NVSP और जो कि ऑफिशियल पोर्टल है निर्वाचन विभाग का NVSP.in। आपको किसी भी ब्राउजर में सर्च कर लेना है और जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं www.nvsp.in, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है आइए हम यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने जब इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर वोटर पोर्टल बेटा वर्जन में है, यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर पोर्टल जो कि नया आ गया है यह वर्जन, और इस पर आपको क्लिक करना है। आपको इसी पर क्लिक करना है तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इस पर वोटर पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप से नया इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी नंबर या पासपोर्ट आप किसी के द्वारा भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और या तो आप यहाँ पर फेसबुक, गूगल अकाउंट या तो ट्विटर या लिंक्डइन के माध्यम से यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले वोटर आईडी नंबर के द्वारा भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, या तो आपके पास यहाँ पर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं अपने सोशल मीडिया के द्वारा। जैसे हमारा जो है यहाँ पर हो चुका है तो चलिए मैं यहाँ पर जो हम लॉगिन करने का प्रयास करेंगे लॉगिन विथ जीमेल अकाउंट के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जीमेल ऑप्शन आया हुआ है, तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिडायरेक्ट गूगल पर लेके चले जाएगा और यहाँ पर हम जो हमारा ईमेल आईडी है हम इस पर सिंपली सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमारे सामने न्यू इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम उसे देखिए यहाँ पर मांगा जा रहा है योर प्रोफाइल डिटेल, तो हम यहाँ पर सारे जानकारी को फिलअप कर लेंगे और यहाँ पर जो भी नेम है यहाँ पर सर नेम, स्टेट और सेलेक्ट जेंडर, जो भी जेंडर है आप यहाँ से सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया है, अब नेक्स्ट पर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे आप प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने प्रोफाइल को सेट कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का आ चुका है। तो यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आ जाना है और यहाँ पर लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन है तो आपको सिंपली लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, और क्या आपके पास यदि वोटर आईडी नंबर नहीं है तो आप इस पर सेलेक्ट कर दें, और यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप सिंपली यस आई हैव वोटर आईडी नंबर पर क्लिक कर दे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है और हम नया कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो हम यस पर सिंपली सेलेक्ट कर दिए। यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर अभी तक आपको नहीं मिला हुआ है तो आप नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम सेलेक्ट करेंगे यस आई हैव वोटर आईडी नंबर पे, और नीचे में आपको यहाँ पर अपना वोटर आईडी नंबर को फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर फेच डिटेल्स का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर हम अपने वोटर आईडी नंबर को फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वोटर आईडी नंबर को फिलअप करने के बाद यहाँ पर फेच डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली आपको फेच डिटेल्स पर क्लिक करना है, और जैसे आप फेच डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर प्रोसीस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर सारा जानकारी यह लेकर चले आएगा, आपका नाम पता, पिता का नाम, जो पहचान पत्र क्रमांक है, भाग संख्या, सीरियल नंबर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर मांगा जा रहा है, यू नीड टू अपडेट योर मोबाइल नंबर, वी कैन हेल्प एस सेंडिंग ओटीपी टू वैलिडेट इट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है और जिस पर एक ओटीपी आएगा। तो फ्रेंड्स आइए मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को फिलअप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है और जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक 6 अंकों का वेरिफिकेशन कोड जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, इसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर हम अपने ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ओटीपी को फिलअप कर लिया है, अब यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन है तो सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पर बोला है रीजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, क्या रीजन है रिप्लेसमेंट कराने का वोटर आईडी। तो आप यहाँ पर आप कुछ भी रीजन लिख सकते हैं, जैसे कि मैं वोटर आईडी कार्ड लॉस्ट या मैं कार्ड वाज लॉस्ट, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मैं वोटर आईडी कार्ड वाज लॉस्ट हो चुका है, मैं वोटर कार्ड लॉस्ट, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका रीजन है आप लिख सकते हैं। और इसके बाद देन यहाँ पर आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने नया इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएगा। चूज ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड, आई विल कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड फ्रॉम VRC या SSC। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस पर भी क्लिक, यदि आप CSC से लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर है दूसरा, आई विश टू रिसीव माई वोटर आईडी बाय पोस्ट, यहाँ पर यदि आप बाय पोस्ट के द्वारा लेना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 रुपये चार्ज देने होंगे। जब आपके घर पर वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा तब आपको 30 रुपये यहाँ पर देने होंगे। आपका जब वोटर आईडी कार्ड घर पर आ जाएगा तब आपको 30 रुपये देना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा नंबर में ऑप्शन है, आई विश टू रिसीव माई वोटर आईडी बाय पोस्ट, और तीसरा है आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम BLO, यदि आप BLO को द्वारा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर तीसरा नंबर है, आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम BLO। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर BLO के द्वारा लेना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता है और BLO खुद लेके चलेगा, तो मैं क्यों ना BLO वाला पर सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ पर आपको 30 रुपये चार्ज देने होंगे यदि आप बाय पोस्ट के द्वारा, यदि आपके पास अर्जेंट है तो आप बाय पोस्ट के द्वारा पर भी क्लिक कर सकते हैं, और जब आपका वोटर आईडी कार्ड घर पर आ जाएगा तब आपको 30 रुपये देने होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम BLO के द्वारा सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे हम इस पर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू विल कलेक्ट योर वोटर आईडी फ्रॉम योर बूथ लेवल ऑफिसर BLO, टू नो योर BLO डिटेल्स प्लीज चेक योर प्रोफाइल पेज। तो आपका जो BLO का डिटेल्स है वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका BLO कौन है। यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट पेमेंट मोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पेज यहाँ पर कुछ इस टाइप का पेज आ चुका है और यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है और यहाँ पर नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने नया इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पर आ चुका है, कंग्रेचुलेशन जय कुमार, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, और यहाँ पर है योर एप्लीकेशन रिफरेंस आईडी इज DCN, इसको आपको सुरक्षित रखना है ताकि आपका काम आ सके, यू मे यूज रिफरेंस आईडी टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स इसको आप सिंपली सुरक्षित रख ले ताकि आपको काम आ सके। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यदि आपका वोटर आईडी कार्ड खो चुका है या यदि अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप इस प्रकार से वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर यदि आप वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपका वोटर कार्ड आईडी जरूर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अंत में आप सभी मित्रों का धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।